आज हम लोग देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं और यह बहुत गर्व का विषय है कि भारत जैसे सशक्त गणराज्य के हम लोग नागरिक हैं। आज अगर आप देखें तो हमारे पड़ोसी मुल्कों में सभी जगह लगभग बारी बारी से मार्शल ला लगे, वहाँ के हालात अस्थिर हैं, लेकिन भारत हम लोगों का एक ऐसा देश है जहाँ विविध जाति धर्म भाषा बोली के लोग रहते हैं और उसमें भी हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। यहाँ के जो संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकार मिले हैं उसकी रक्षा करते हुए हम लोग आज 78वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह आज़ादी हमें किस तरह मिली, यह हम लोगों ने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो शहीद रहे, जो उसको लगता है कि सबकी उम्र लगभग 22, 25, 27 ऐसे ही रही आंदोलनकारियों की, और वह उस उम्र में फांसी के फंदे को आज़ादी के लिए हंसते हंसते चूम लिए। मेरा सभी से एक ही आग्रह व अनुरोध है कि आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, इसके जो मूल्य हैं, जो नैतिकता हमें प्रदर्शित करनी चाहिए, वह हम सभी को इस भारतवर्ष को एक सशक्त भारत बनाने के लिए हमें अपने अपने जिम्मेदारियों का, अपने दायित्वों का वहन करना चाहिए। आप सभी को पुनः एक बार 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपने प्रेस क्लब के साथ ही आज हम लोग जो है प्रेस क्लब पे झंडा रोहण किया गया, इसके लिए सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां, एक बार पुनः सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की।